The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों जून 2019 बिहार मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बच्चे चमकी बुखार के चपेट में आ रहे हैं और 100-150 के आसपास लोग बच्चे मर चुके हैं। दोस्तों इस बुखार के बारे में आपने बहुत सुना होगा लेकिन क्या सही जानकारी आपको अब तक मिली है? लोग इसे एनसेफेलाइटिस बता रहे हैं लेकिन ये एक सिंपल एनसेफेलाइटिस नहीं है। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है और इसीलिए इसके बारे में सही जानकारी आप तो मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कारण हो रहा है, वो जानकारी के बगैर सही तरीके से आगे ना बढ़ने के वजह से, देरी के वजह से दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सबको सही जानकारी मिले कि ये बीमारी क्या है और कैसे हो रही है और क्या फ़र्क है नॉर्मल बीमारी और इस बीमारी में। दोस्तों एक एनसेफेलाइटिस जो होती है वो इन्फ्लामेशन होता है आपके ब्रेन का, आपके दिमाग का। इन्फ्लामेशन का मतलब है कि ब्रेन में स्वेलिंग है, सूजन है। ये काफ़ी सारे कारणों से आ सकती है, आपको चोट लगे, आपको इन्फेक्शन हो ब्रेन में, कभी खून में पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाए, कोई वायरस, बैक्टीरिया, स्पायरोकिट, बहुत सारी दिक्कतों से, बहुत सारे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म से आपको एनसेफेलाइटिस हो सकता है। लेकिन एनसेफेलाइटिस मतलब एनसेफेलोपैथी नहीं होता। एनसेफेलोपैथी का मतलब होता है कि जब आपके ब्रेन में क्लिनिकली कोई डैमेज शुरू हो जाए, डैमेज से मतलब कोई इस तरीके का साइन शुरू हो जाता है जैसे कि ऑल्टर्ड मेंटल सेंसेशन, जैसे मेंटल सेंसोरियम आपका बिगड़ जाता है, मेंटल स्टेटस आपका बिगड़ जाता है, आपका कॉन्शियसनेस कम हो जाता है, आप पूरी तरह होश में नहीं होते हो या बिहेवियर आपका बदल जाता है, तब हम इसे कहते हैं एनसेफेलोपैथी। या ब्रेन के किसी हिस्से में कोई एक पार्ट जो ब्रेन काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा तो उसे एनसेफेलोपैथी कहते हैं। अभी की जो बुखार चल रहा है, चमकी फीवर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एनसेफेलाइटिस और एनसेफेलोपैथी। ये चमकी फीवर एक्चुअली में एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, AES। इसमें ज़्यादातर केसेस वायरल एनसेफेलाइटिस के होते हैं लेकिन और भी कारण हो सकते हैं। इसको सबसे कॉमन वायरस जो इंडिया में पाया जाता है वो जापानीज एनसेफेलाइटिस होता है लेकिन और भी वायरसेस होते हैं और ये क्लिनिकली न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब दिमाग के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो ज़रूर दिखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ये वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, इन सारी चीज़, स्पायरोकेट, कई बार टॉक्सिन और केमिकल से भी हो सकता है, चोट से भी हो सकता है। अलग अलग इंडिया के रीजन्स में जहाँ जहाँ ये पहले हो चुका है, 2005 से लेके कई जगहों पे ये हो चुका है, जो जापानीज एनसेफेलाइटिस वाला वायरस होता है वो मॉनसून के सीज़न में, बारिश के सीज़न में ज़्यादा आता है और पोस्ट मॉनसून के बाद ज़्यादा आता है जब मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जापानीज एनसेफेलाइटिस मच्छर से फैलता है। और दूसरे तरीके के जो एंटरोवायरसेस हैं, जो कि ज़्यादा चांस है एंटरोवायरस का इस बार के चमकी फीवर में रिस्पॉन्सिबल होना, एंटरोवायरस जो होता है वो वाटर बॉर्न होता है, वो पानी के थ्रू फैलता है। तो बेसिकली हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम क्या है। ये चमकी फीवर जो हो रहा है, एक्यूट एनसेफेलाइटिस, ये कोई भी किसी भी पर्सन को किसी भी उम्र में हो सकता है, पूरे साल में कभी भी हो सकता है। और इसके साथ होगा क्या, बुखार आएगा और दिमाग के फंक्शन में, मेंटल स्टेटस में चेंज आएगा। तो बुखार के साथ मेंटल स्टेटस में चेंज आ रहा है तो वो एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम में गिना जा सकता है। इसमें चेंजेस आएंगे, या तो कंफ्यूजन हो रहा है, डिसओरिएंटेशन हो रहा है, बात करने में मुश्किल हो रही है, या सीधा कोमा भी हो सकता है, या फिर साथ में झटके या सीजर, फेब्राइल कन्वल्जन्स आ सकते हैं। इन सबको एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम में डाला जाता है। ये होता कैसे है? जब भी ये वायरल एनसेफेलाइटिस होता है आपके अंदर, वो वायरस जाता है किसी भी तरीके से, या तो मच्छर के वजह से जा रहा हो, या पानी के वजह से जा रहा हो, या किसी के छींकने की वजह से आपके अंदर जा रहा हो, यस, कई बार ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। सो उस केस में इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी वो वायरस, वो बैक्टीरिया आपके अंदर जाके पहले पनपता है और कुछ दिन तक,
जैसे 3 से 5 दिन, कई बार 1 से 2 दिन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आपको बुखार आता है, सर में दर्द होगा, उल्टी दस्त हो सकते हैं और साथ में नौजिया उपकाई आ सकती है। सो उसी के साथ पूरी बॉडी में दर्द हो सकता है जो कि 1 से 5 दिन तक रह सकते हैं। 1 से 5 दिन के बाद आपके दिमागी सिम्टम शुरू होते हैं, इरिटेबिलिटी, बिहेवियर में प्रॉब्लम, आपको झटके आ सकते हैं और बेहोशी या कोमा में भी जा सकते हैं। यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ये जो बीमारी है इसमें ये प्रोग्रेस बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ी से वायरस आपके सेल में जाता है। वायरस कैसे काम करता है ये हमने निपा वायरस वाले वीडियो में ज़रूर बताया था, और निपा वायरस भी AES चमकी फीवर का कारण हो सकता है कुछ केसेस में, जैसा आपने देखा चार्ट में, राइट। सो होता क्या है, वायरस आपके अंदर जाता है, सेल्स में जाता है, सेल्स की मशीनरी हैक करता है और बहुत ज़ोरदार मल्टीप्लाई करता है, सेल्स फोड़ देता है और फिर खून में आ जाता है, फिर वो दूसरे सेल्स में जाता है, दिमाग में भी जाता है, वहाँ भी एक एक सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है, वहाँ पर भी डैमेज करना शुरू कर देता है। बहुत तेज़ी से वायरस ग्रो करता है और तुरंत कई बार आपको ब्रेन में सूजन से इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दिमाग के अंदर जो प्रेशर होता है उसके बढ़ जाने के साइंस दिखाई देते हैं बहुत कॉमनली। इस केस में ये एक्यूट स्टेज, बहुत एक्यूट स्टेज कहा जाता है इलनेस का। इसमें आपको बोलने में दिक्कत, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कई बार आँखों में ऑक्यूलर पालसीज, आँखें में एक हाथ टेढ़ी हो जाना या हैवी पैलेजिया, एक हिस्सा हाथ पैर का काम ना करना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसी के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीवियर कॉम्प्लिकेशन यानी सीजर, झटके और डेथ जैसी, कोमा जैसी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। फैटालिटी रेट मतलब जान जाने का खतरा इस तरीके के बीमारी में, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम में काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो सर्वाइव भी करते हैं उनमें ये होता है कि आगे चल के भी न्यूरोलॉजिकल, दिमागी जो कमज़ोरी होती है वो काफ़ी हद तक रह जाती है, इसलिए रिहैबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। बच्चे क्यों सफ़र करते हैं, बड़े क्यों नहीं, क्योंकि बड़ों में ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स काफ़ी सालों से छोटे छोटे बीमारियों के वजह से, वैक्सीनेशन के वजह से काफ़ी सारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है आगे चल के। वो इम्यूनिटी बच्चों में नहीं होती, क्यूमुलेटिव इम्यूनिटी नहीं होती है नेचुरल इन्फेक्शन के वजह से, इसीलिए बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं और ज़्यादा तेज़ी से ऐसी बुखार उनको चपेट में ले लेता है। बहुत ज़रूरी है ऐसे एपिडेमिक सिचुएशन में जो भी चल रहा है, एंडेमिक एरिया जहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है उस एरिया में अगर बहुत सारे केसेस पाए जा रहे हैं तो इसे एक एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक सिचुएशन में अगर किसी को भी, यानी आपको किसी भी बच्चे को बुखार आ रहा है और अल्टर्ड सेंसोरियम है, यानी दिमाग से आपको थोड़ा सा वो आउट सा लग रहा है, दिमाग सही से काम करता हुआ, बेहोशी आते हुए, बातें सही से नहीं करता हुआ दिख रहा है 2 घंटे से ज़्यादा, तो ये एक तरीके के आपको इमरजेंसी पकड़ के इसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, लोकल हॉस्पिटल में ही जाके तुरंत इलाज कराना चाहिए। इसी के साथ उसको फोकल सीजर्स, पैरालिसिस जैसा कोई अटैक आए तो इसको आप एनसेफेलाइटिस यानी चमकी फीवर, एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम कह सकते हैं। इसमें याद रखना है जापानीज एन्सेफलाइटिस में शरीर के ऊपर कहीं पर भी रैश, कोई रैश नहीं आता है, तो रैश अगर मिलता है तो वो जापानीज वाला नहीं होगा, वो हो सकता है दूसरा, यानी दूसरे तरीके के जो हमने बताए। और जो सिमेट्रिकल साइंस अगर मिलते हैं हमको, तो फीवर सिमेट्रिकल साइंस के साथ हो सकता है सेरिब्रल मलेरिया। जी हाँ, एक कारण इसका मलेरिया भी है, मलेरिया का पैरासाइट, हमने आपको ऑलरेडी बताया है, पैरासाइट्स से लेके फंगस तक और टॉक्सिन से लेके चोट तक सारे चीज़ें भी इसको कॉज कर सकती है, ऐसे ही सिमिलर सिम्टम्स। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। इवन मेनिनजाइटिस, जो बैक्टीरिया के वजह से बैक्टीरिया ऊपर चले जाता है, मेनिनजाइटिस भी ऐसे केस में ऐसे ही सिम्टम्स लगा सकता है, दिखा सकता है। फ़र्क इतना है कि मेनिनजाइटिस जैसे ही एंटीबायोटिक शुरू किया जाता है बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, वायरल एन्सेफेलाइटिस में रिस्पॉन्स स्लो होता है। इसमें इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले स्टेज से जल्द इलाज शुरू करें, राइट। और बहुत ज़रूरी है अच्छा क्लिनिकल मैनेजमेंट और तुरंत मैनेजमेंट, ताकि आपकी जान बचाई जा सके और जितनी फ्यूचर में डिसेबिलिटी हो सकती है उसको रोका जा सके। क्लिनिकली एक ह्यूमन, ये एक इंसानी वायरस का दिमाग के अंदर घुस के इतना खतरनाक इन्फेक्शन करना बहुत रेयर होता है, इसीलिए ये जानवरों वाले वायरस होते हैं, राइट। और याद रखना है आपको कि डिजीज़ कितनी ज़्यादा
इफेक्ट करेगी आपको, ये डिपेंड करेगा आपके इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस पे, क्या आपको बचपन से सही टाइम पे वैक्सीन लगाई गई है। अगर वो वैक्सीनेशन नहीं लगी है, अगर आप सही, आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है, आप कमज़ोर है, तो आपको जल्दी वो और ज़्यादा हावित हो जाएगा आपके शरीर पे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, इसके लिए टेस्ट भी आपको समझने होंगे। लेबोरेटरी में कंफर्म करने का मतलब क्या है, जब भी आप लेबोरेटरी में इसको कंफर्म करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो सस्पेक्टेड केस में या तो एक टेस्ट होते हैं आईजीएम एंटीबॉडी के, या तो आईजीएम एंटीबॉडी मिला है आपके ब्लड में, या आपके सीएसएफ, सीएसएफ मतलब आपके ब्रेन के आसपास जो पानी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में से पानी निकाला जाता है लंबर पंक्चर करके, उसमें टेस्ट किया जाता है आईजीएम एंटीबॉडी पर्टिकुलर वायरस के लिए, जैसे जैपनीज एंसेफलाइटिस या फिर दूसरे प्रकार के वायरसेस, एंट्रो वायरस के लिए, जैपनीज एंसेफलाइटिस उनके लिए, या तो वो, या तो आईजीजी एंटीबॉडीज में 4 गुना डिफरेंस पाया जा रहा है पहले वाले पैड सैंपल्स में, पैड सैंपल्स में 4 गुना डिफरेंस, यानी वो ग्रो हो रहा है, या फिर वायरस ही आइसोलेट किया गया हो किसी एक टिश्यू से, जो शायद मोस्टली ब्रेन टिश्यू से लिया जाता है, जो किया जाता है, अगर बहुत सारे बच्चे, जिस तरह बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, तो ऑटोप्सी करके करा जा सकता है पता कि किस वायरस ने ये फैलाया है, ताकि उस वायरस के खिलाफ सही से इलाज किया जा सके। एंटीजन डिटेक्शन किया जा सकता है इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट से, न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन किया जा सकता है पीसीआर स्टडी से, ये सारे टेस्ट होते हैं जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, जिससे कंफर्म किया जाता है ये क्या है। देखिए, एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम एक मेडिकल न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, जिसमें इमीजिएट जल्द से जल्द कंसिड्रेशन करना चाहिए कि क्या क्या इशू आ रहे हैं, और इमीजिएट से इमीजिएट लाइफ सपोर्ट या ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए सीरियस केसेस को, लाइफ सपोर्ट, और आइडेंटिफाई करना चाहिए कारण को। जब भी आपको सही तरीके से साइंस मिल जाए, आपके इंस्टीट्यूट, अगर हॉस्पिटल अवेलेबल है, तो हॉस्पिटल बेस्ड थेरेपी शुरू करनी चाहिए। लेकिन सबसे प्रॉब्लम आ रही है ट्रैवल में, ट्रैवल में अगर टाइम बर्बाद हो जाएगा तो दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी, राइट। ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा।